हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इसी इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में हमने स्टार्ट किया था हार्ट फेलियर, फर्स्ट डिजीज जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम कवर कर चुके हैं कि हार्ट फेलियर, पहली बात तो हार्ट फेलियर होता क्यों है, और क्योंकि हार्ट फेलियर एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि धीरे धीरे वो अपनी स्टेजेस को चेंज करता है, तो वो प्रोग्रेशन किस वजह से हो रहा है। तो हमने ये देखा था कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग कारण थी हार्ट फेलियर के इनिशिएशन का, जो आपका हार्ट फेल होने की वजह से जो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, जो इनिशिएशन है आपका, वो किसकी वजह से हो रहा था? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से। या तो आपका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे, या फिर दोनों का मिक्सचर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे और रिलैक्स भी नहीं हो रहे। कारण मैं आपको बता चुकी थी कि दोनों का कारण क्या क्या हो सकते हैं, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग किस वजह से होती है, डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग किस वजह से होती है। तो दोनों ही डिसफंक्शनिंग की वजह से फाइनली जो कार्डियक आउटपुट था वो कम हो रहा था, यानी कि जो पंप, जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये यहाँ तक हम समझ गए थे। फिर हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी फिर इस बात को कंपनसेट करने के लिए सिस्टम्स को एक्टिवेट कर रही थी। दो सिस्टम थे जो एक्टिवेट हुए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और उन सिस्टम ने क्या किया, आपका जो प्रॉब्लम थी उसे सही करने के लिए हुए थे वो एक्टिवेट, हालांकि, लेकिन वो क्या करते हैं, फाइनली उन्होंने क्या किया था, इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, जो आपकी कार्डियक आउटपुट अभी कम हुआ था उसकी वजह से ये सिस्टम एक्टिवेट हुए थे, बट रिजल्टेंट इफेक्ट हमने क्या देखा, इसने हार्ट में और भी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दिया, और स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की वजह से आपका क्या हुआ, कार्डियक इंजरी होने स्टार्ट हो गई, और फिर हार्ट की फंक्शनिंग और भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में चली गई। फिर हमने ये देखा कि इन दोनों सिस्टम को भी कॉम्बैट करने के लिए, इनके साथ लड़ने के लिए भी एक सिस्टम हालांकि हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है, बट जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे हार्ट फेलियर की सिचुएशन वर्स्ट होती जाती है, तो वो सिस्टम भी इनके ऊपर अपना असर दिखाना कम कर देता है। वो सिस्टम क्या था, नेट्रियूरेटिक पैप्टाइड सिस्टम, जिसके थ्रू आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रास सिस्टम की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, या हमारी बॉडी करने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल हमने ये देखा था कि अगर हमें हार्ट फेलियर को के प्रोग्रेशन को रोकना है, ठीक है, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो गई, डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो गई, चलो ठीक है, उसके कारण कोई बीमारी हो सकती है। जैसे मैंने बताया था कि सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग का कारण अलग अलग चीजें थी, कि हमारे वॉल्व में कोई दिक्कत आ गई है ना, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी की कोई डिजीज हो गई है तो उसकी वजह से आपका सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो सकता है। वहीं डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग के भी अलग अलग रीजन थे, जैसे हार्ट अटैक आ गया किसी को, डायबिटीज है बहुत लंबे टाइम से, वॉल्व में डिसफंक्शनिंग है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ये सारे कारण हैं। आप उनको तो चलिए ठीक करो, उनका तो इलाज आपका चल रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली अब हार्ट फेलियर, अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है, हार्ट फेलियर की कौन सी स्टेज में है डिपेंड करेगा, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। तो आपको पता है, चलो जो प्रॉब्लम थी वो तो है ही, लेकिन जो सिस्टम उस प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ा रहे हैं वो कौन से सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो हम ट्राई करेंगे, हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो इन सिस्टम्स को क्या करती हो, आपकी इनहिबिट करती हो, ठीक है। और दूसरी ओर हमें पता था कि एक सिस्टम ऐसा भी था जो इस चीज से इन सिस्टम्स को इनहिबिट करने का काम कर रहा था, हम उस सिस्टम को क्या करेंगे, ज्यादा सहारा देंगे, उसको एक्टिवेट कराने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? तो हम क्या, इसका हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो हमारा ट्रीटमेंट का टारगेट है वो क्या है, हम क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को, क्योंकि यही दोनों हैं आपके जिन्होंने क्या किया, हार्ट फेलियर को और भी ज्यादा क्या कर दिया, वर्स सिचुएशन में पहुंचा दिया, ठीक है। और दूसरा सिस्टम जिसे हम एक्टिवेट करने की या जिसको हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे वो क्या है, हमारे नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो कि रिलीज होते हैं हमारी एट्रिया की वॉल से, हमारे वेंट्रिकल्स की वॉल से और हमारे वैस्कुलर एंडोथीलियम, जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट जो एंडोथीलियम है वहां से ये रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है और ये हम डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। जिसने पैथोफिजियोलॉजी नहीं देखी है पहले उसे आप देखिए, तब आप ट्रीटमेंट करें, जल्दी से आपका कवर हो जाएगा। चलें स्टार्ट करें। तो हमने क्या देखा था, देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में हमने ये देखा था
कि जब भी ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ था और कैसे हुआ था मैं सब बता चुकी हूँ, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि एनी का रिलीज होना, नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज होना, जिसे हम नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। तो क्या होता है, मैंने बताया था कि ये अगर हमारा हार्ट है, फटाफट से इसे हम करते हैं क्योंकि हम डिटेल में कर चुके हैं ना। तो हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, बीटा वन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन का अल्फा और बीटा आपको पता है दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, और बीटा का कौन सा, बीटा वन सब टाइप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड में होता है, वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ बीच में जो कंडक्शन सिस्टम है एवी नोड वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। तो होगा क्या, फटाफट से हमें पता था कि एनी जो है आपका इस तरीके से नॉरएपिनेफ्रिन इस रिसेप्टर से बाइंड होता है, और इस रिसेप्टर से बाइंड होने की वजह से ही ये क्या करता है, अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, जो कि इफेक्ट क्या करते हैं, आगे चल के हार्ट फेलियर को और भी ज्यादा वर्स्ट बना देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दवाई देनी है, आपको पता है कि जो बीटा वन से जैसे ही बाइंड होगा वैसे ही आपके क्या आएंगे, इफेक्ट आएंगे, हार्ट रेट का बढ़ना, कार्डियक आउटपुट का बढ़ना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना। तो आपका एम क्या रहेगा बताओ, पहली कैटेगरी ऑफ ड्रग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस सिस्टम पे जो काम करेगी, तो वो ड्रग कौन सी है आपकी, बीटा ब्लॉकर। अगर आप नॉरएपिनेफ्रिन के हार्ट में प्रेजेंट बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करा दोगे तो क्या ये नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड हो पाएगा इन रिसेप्टर से, नहीं। और अगर नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहा है तो क्या वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपको मिल रहे थे, नहीं। पहला टारगेट, जो पहली लाइन ऑफ ड्रग है जो हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, वो कौन सी है आपकी, बीटा ब्लॉकर। स्पेसिफिकली वो बीटा ब्लॉकर आप यूज करोगे जो कि बीटा वन सेलेक्टिव हो, और एक आपको जो मैं बताऊंगी कार्विडिलॉल, जो आपका बीटा वन को भी ब्लॉक करता है, अल्फा को भी करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिटेल में कराया हुआ है हालांकि। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं, चलिए इसमें आती है आपकी बिसोप्रोलॉल, बीटा वन सिलेक्टिव है, बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। मेटोप्रोलॉल, ये भी बीटा वन रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है। और लास्ट है आपकी कार्विडिलॉल। कार्विडिलॉल की खासियत क्या होती है, ये बीटा वन को तो करती ही है ब्लॉक, लेकिन साथ में आपकी अल्फा वन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है। और आप जानते हो ना, बीटा वन की वजह से इसने क्या किया, हार्ट के फंक्शन को तो सप्रेस किया, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन सबको कम किया, लेकिन अल्फा वन को ब्लॉक करने की वजह से क्या एक एडवांटेज हमें मिल जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो हमारे हार्ट पे कम से कम प्रेशर पड़ेगा। और हार्ट फेलियर आपको पता है ना, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होना, हार्ट पे प्रेशर, वेंट्रिकल्स की वॉल पे प्रेशर पड़ना, यही तो कारण है हार्ट फेलियर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक और एडवांटेज मिल जाता है। तो ये आपकी ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर जो यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, समझ में आ गया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करवा दिया, समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे आप क्या कर सकते हो काम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हम देख रहे हैं, तो सिंपैथेटिक को तो हमने कर लिया, अब बात आ गई रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की। तो आपने क्या देखा था इस सिस्टम में, फटाफट से करते होता क्या था इस सिस्टम की, जब भी आपका क्या होता था, यहाँ से जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ था तो इसके रिसेप्टर बीटा वन रिसेप्टर हार्ट में तो थे, लेकिन साथ में किडनी में प्रेजेंट जेजी सेल में भी तो इसके रिसेप्टर होते हैं। तो सपोज ये वो सेल थी, ठीक है, कौन सी सेल है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। बल्कि इसे इतना बड़ा बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो अपने अंदर से रिलीज ही करने वाली है, तो छोटी सी सेल बना देते हैं हम लाइक दिस, ठीक है। ये हमारी जेजी सेल है, किडनी में प्रेजेंट होती है। इसके सरफेस में भी क्या होते हैं आपके, बीटा वन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के। तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है इन बीटा वन से भी बाइंड होगा, और जेजी सेल जैसे ही ये बाइंडिंग होगी, जेजी सेल अपने अंदर से क्या रिलीज कर देता है, रेनिन को रिलीज करता है। पहला कारण तो रेनिन को रिलीज करने का ये था। दूसरा कारण मैंने क्या बताया था, हमारे ही नेफ्रॉन में जो हमारी डिस्टल टिब्यूल्स होती हैं उनमें मैक्यूला डेंसा नाम की सेल्स होती हैं। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कम है तो क्या होता है, आपका या सोडियम का लेवल कम है तो ये सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये सेल एक्टिवेट होते ही जेजी सेल से रेनिन को रिलीज करवा देती है। तो मतलब कारण कुछ भी हो सकता है, बट अभी हम यहीं पे इसी पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी। तो देखो, जेजी सेल ने रेनिन को रिलीज किया, ठीक है,
रिलीज होने के बाद रिनिन ने क्या किया था फटाफट से, क्योंकि अभी मेरे यहाँ काम आएगा मैं इसलिए से पूरा लिख रही हूँ, हालांकि मैं पहले समझा चुकी हूँ आपको, रिनिन क्या करता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन वन में, बताया था ठीक है। एंजियोटेंसिन वन फिर किस में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन टू में, और यहाँ पे एक एंजाइम हमारा बहुत काम करता है वो कौन है एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन टू क्योंकि बन चुका है, अब ये क्या करता है जिस भी सेल पे इसे अपना इफेक्ट दिखाना होता है उस सेल पे जाता है, अगर उसे वहाँ पे अपने रिसेप्टर मिल जाते हैं जिन्हें हम एटी रिसेप्टर बोलते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं मैंने बताया था 81 एंड 82, मेजरली हमारे जो होते हैं 81 ही प्रेजेंट होते हैं फीटल ग्रोथ के लिए, फीटस में 82 आपका प्रेजेंट होगा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेसिकली। अभी यहाँ पे जो रिसेप्टर है ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, तो एंजियोटेंसिन 2 जाएगा क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 बन गया था, एंजियोटेंसिन 2 गया इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होते ही इसने अपने इफेक्ट प्रोड्यूस किए, और यही इफेक्ट थे। क्या क्या हुए इफेक्ट थे, क्या क्या हुआ था आपका, मैं रिजल्टेंट इफेक्ट आपको बता देती हूँ केवल। ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ गया था ठीक है, वाटर का लेवल क्योंकि बढ़ा था, सोडियम का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया था ठीक है, और साथ ही साथ इनकी वजह से ही हमारे वेंट्रिकल में क्या हो गई थी हाइपरट्रॉफी हो गई थी, जो हमें कभी भी नहीं चाहिए होती है। किसी का हार्ट फेल हो रहा है वेंट्रिकल, वैसे ही वेंट्रिकल की इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, बाकी ये इसने क्या किया एंजियोटेंसिन 2 ने अपने रिसेप्टर से बाइंड होके वेंट्रिकल्स को और भी ज़्यादा थिक बना दिया, तो अब तो हार्ट फेल और भी ज़्यादा, हार्ट फेल की स्टेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना इस बात को, तो ये इफेक्ट आए थे। तो अब बताओ इस सिस्टम पे हमें क्या करना है, इस सिस्टम को ब्लॉक करवाना है जैसे सिंपैथेटिक को कराया था, तो कहाँ कहाँ आपको ऑप्शन लग रहे हैं। सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं जो मेडिसिन यूज होती हैं, तो मैं मेडिसिन कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख लेते हैं साथ के साथ कर रहे हैं ना, क्योंकि ये एस एंजाइम है, अगर किसी भी तरीके से आप इस एंजाइम को इनहिबिट करा दें तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 तो बन गया 2 नहीं बनेगा, क्योंकि 1 तो इनएक्टिव फॉर्म है, जब 2 बनेगा ही नहीं तो ये इफेक्ट कहाँ से आएंगे, तो इसको बोलते हैं ये आपकी सेकेंड कैटेगरी आ गई, कौन सी एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब एंजियोटेंसिन 1-2 में बदल नहीं पाएगा तो आगे की प्रोसेस होनी नहीं है, इसके अंदर जो ड्रग आती है उनके पीछे प्रिल लगा होता है, कैप्टोप्रिल, रैमी प्रिल ठीक है, फोसिनो प्रिल लाइक दिस ओके, लिजिनो प्रिल, ये सारी ड्रग है, इसके अलावा और भी हैं ठीक है, तो ये यूज होती हैं आपकी किसके लिए, क्यों यूज होती हैं समझ में आ गया, एस एंजाइम को आपने इनहिबिट करा दिया। अब इन ड्रग के साथ एक और प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम है, मैंने बताया था ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, और वहां पे ये क्या करता है ब्रेडिकाइनिन के रिलीज को रोकता है ठीक है, क्योंकि अब आपने एस इनहिबिटर दे दिए हैं तो लंग्स में जो ब्रेडिकाइनिन का रिलीज पे जो कंट्रोल था इसका वो खत्म हो चुका है, तो इन ड्रग्स की वजह से जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो ब्रेडिकाइनिन का लेवल है वो बढ़ जाएगा लंग्स में, और आप जानते हो ना ब्रेडिकाइनिन क्या करता है हमारा, क्या है ये हमारा ऑटोकॉइट्स की कैटेगरी में आता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, तो ब्रेडिकाइनिन जब भी रिलीज होता है तो फिर कफ आना स्टार्ट हो जाता है ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन होती है कफ आता है, इसीलिए इस इनहिबिटर का साइड इफेक्ट है आपका कफ ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यही कारण है कि इन्हें एस्थमा के पेशेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन रिलीज होगा तो आप सोचो एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, वैसे तो एलर्जिक डिसऑर्डर है, बाकी आपने ऐसी दवाई दे दी जिससे एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये हो गया पहला टारगेट इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सपोज आपने एस को, आपने एंजियोटेंसिन 2 को बनने से आप नहीं रोक पाए, आप क्या करोगे, एंजियोटेंसिन 2 बन गया है, अब इसे इसके रिसेप्टर से बाइंड मत होने दो ना, चलो बन गया कोई दिक्कत नहीं है, एस ने अपना काम कर दिया, तो अब क्या करेंगे हम एंजियोटेंसिन 2 को इसके रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देंगे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो कि हमारा थर्ड है वो क्या है, एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये रिसेप्टर को आप ब्लॉक करा दीजिए तो एंजियोटेंसिन 2 बाइंड ही नहीं होगा और इफेक्ट नहीं आएंगे, तो एआरबी की कैटेगरी में हमारे पास जो ड्रग है वो क्या है आपकी सार्टेन्स आती हैं, सबके पीछे सार्टेन लगा होता है, वेलसार्टेन, इरबिसार्टेन
टेलमिसार्डिन इस तरीके से, ठीक है, मैं सारी मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो ये आपकी ड्रग हैं जो यूज होती हैं। तो थर्ड कैटेगरी समझ में आई, एआरबी कैसे अपना रोल प्ले करेगी, ठीक हो गया। इसके बाद यस, अब क्या है, मैंने एक और चीज आपको बताई थी, यहाँ पे जो ये सोडियम और वाटर का लेवल बढ़ रहा है ना एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिन 2 के बाइंड होने की वजह से, इसका कारण क्या था, मैंने पिछले लेक्चर में पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताया था ये किस वजह से हो रहा है, एल्डोस्टेरोन के रिलीज होने की वजह से हो रहा है, यही तो बताया था। एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है आपके किडनी से, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का लेवल आपके ब्लड में बढ़ रहा है, क्योंकि ये रीअब्सॉर्प्शन करता है ना। तो अब हमारा जो कौन सा टारगेट है आपका, फोर्थ नंबर का टारगेट है वो एल्डोस्टेरोन ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस एल्डोस्टेरोन को क्या कर दें, रोक दें। तो इसलिए हम क्या देते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। हम चाहे पहले काम नहीं कर पाए, चलो ठीक है, अगर आपका ये एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर से बाइंड हो भी गया और ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उन्हीं इफेक्ट में से एक इफेक्ट है एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का लेवल बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एल्डोस्टेरोन के रिलीज को रोक सकते हैं, है ना। तो हम क्या देंगे, या एल्डोस्टेरोन रिलीज हो गया है, सॉरी एल्डोस्टेरोन तो रिलीज हो गया, अब हम एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट को रोक सकते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन भी एक क्या है आपका, केमिकल है, उसे भी अपने इफेक्ट को दिखाने के लिए अपने रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ेगा, जो कहाँ पे है, कलेक्टिंग डक्ट में नेफ्रॉन की। तो अगर हम उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो एल्डोस्टेरोन चाहे कितना भी रिलीज हो, ये कभी भी सोडियम वाटर रिटेंशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमने एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे देंगे, ठीक है। इसमें आती है आपकी ड्रग स्पायरोनोलैक्टोन, ठीक है, स्पायरोनोलैक्टोन आपकी ड्रग है। और एक और ड्रग आपकी है इसमें एप्लेरेनोन, ओके, ये ड्रग है आपकी जो आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके चार टारगेट आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मैं किया था आपने बीटा ब्लॉकर दिया था, तीन टारगेट आपके इस सिस्टम के हो गए, एस इनहिबिटर, एआरबी और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ठीक है। तो ये आपके क्या है, चार हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं, चलिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अभी आपने देखा कि सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था, दिक्कत तो ब्लड वॉल्यूम है ना हमारी, जो दिक्कत आ रही है हार्ट के केस में, ये जो हार्ट फेलियर के केस में प्रॉब्लम क्या है, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सारा क्या कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, हार्ट पे प्रेशर दे रहा है, ज्यादा ब्लड आएगा हार्ट के पास तो वेंट्रिकल की वॉल पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो हमें अब आप दिमाग लगाओ कि और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में यूज होने वाली दवाइयाँ, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम को कम करने का एक तरीका, अभी तो आपने देखा कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो हम डायूरेटिक में पढ़ते थे वो हमने दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, सोडियम और वाटर एक्सक्रीट हो गए तो ब्लड का वॉल्यूम खुद ब खुद कम हो गया। हमारे पास एक और ड्रग आती है डायूरेटिक्स की ही कैटेगरी में जो हम इसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो टारगेट नंबर 5 लूप डायूरेटिक, ठीक है। अब ये लूप डायूरेटिक क्या करते हैं, बेसिकली ये भी आपके क्या करते हैं, सोडियम वाटर रिटेंशन को कम करेंगे, ठीक है, सोडियम और जो वाटर का रिटेंशन हो रहा है उसे कम करते हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, एल्डोस्टेरोन बेसिकली एंटागनिस्ट जो कर रहे थे। तो ये डायूरेटिक क्या करेंगे, सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम डायूरेटिक तो बहुत सारे होते हैं, आपने लूप डायूरेटिक ही क्यों बोला, तो लूप डायूरेटिक की एक खासियत होती है कि ये जो अगर सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन के रोकने की बारी आए तो लूप डायूरेटिक बहुत अच्छे परसेंटेज में आपका सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन रोकते हैं। इसी वजह से हार्ट फेलियर के केस में हम क्या करते हैं, लूप डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस कैटेगरी में आने वाली ड्रग कौन सी है, फ्यूरोसिमाइड, पढ़ी है ना, ठीक है, फ्यूरोसिमाइड आपकी मेन इसकी ड्रग है। और इसमें हाँ ब्यूमेटेनाइड भी इसमें आती है, ब्यूमेटेनाइड,
ठीक है। तो ये ड्रग हैं आपकी जो यूज होती हैं किसके लिए, लूप डायूरेटिक। इनका भी मैकेनिज्म सेम वही है जैसे एल्डोस्ट्रॉन क्या कर रहा है, एल्डोस्ट्रॉन रिसेप्टर एंटागनिस्ट सोडियम वाटर रिटेंशन रोक रहे हैं, सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट करा दे रहे हैं यूरिन में, वैसे ही डायूरेटिक लूप डायूरेटिक यही करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, आपको ब्लड प्रेशर को कम करना है, देखो ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए तो आपने डायूरेटिक दे दिया, ठीक हो गया। अब आप बीपी को कम करना चाह रहे हो, यानी कि ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हैं, अगर आप उन्हें डायलेट करा दो तो बीपी कम हो जाएगा ना, अभी कॉन्स्ट्रिक्ट है इसीलिए उनकी वॉल पे प्रेशर ज़्यादा लगा पा रहा है ब्लड। अगर आप क्या करा दो उन्हें डायलेट कराओगे तो प्रेशर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास है हमारी वैसो डायलेटर, ठीक है। वैसो डायलेटर्स क्या होते हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जो ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगी, सपोज हमारी ब्लड वेसल अगर ऐसी थी तो उसे ऐसा कर देंगी, ठीक है, डायमीटर को बढ़ा दिया, डायलेशन कर दिया। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं वो कौन सी हैं, देखो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट और दूसरी है आपकी हाइड्रोलाजीन, और ये आपको पता होना चाहिए इनकी खासियत ये होती है, ये दोनों ही क्या करते हैं जब आप देते हो ये नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एनओ को रिलीज करते हैं। और एनओ का अगर आपको मैकेनिज्म ध्यान हो, मैंने साइक्लिक जीएमपी पाथवे आपको पूरा कराया है, मैंने क्या बताया था एनओ क्या करता है, फटाफट सेल में प्रेजेंट अपने रिसेप्टर से इस तरीके से बाइंड होगा, ठीक है, बाइंड ये एनओ है, इन दोनों ने क्या किया वैस्कुलर एंडोथीलियम से एनओ को रिलीज करवाया, ठीक है। हमारी जो ब्लड वेसल की वॉल अंदर वाली लाइनिंग है यहाँ पे जो एंडोथीलियम होता है उससे एनओ को रिलीज कराया, एनओ गया सेल के पास अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, रिसेप्टर बाइंडिंग हुई कौन सा पाथवे फॉलो हुआ, साइक्लिक जीएमपी पाथवे। और आप जानते हो साइक्लिक जीएमपी पाथवे की वजह से क्या होता है, आपका क्या होता है, मुझे लगता नहीं मुझे ज़्यादा कुछ करना चाहिए यहाँ पे, मैंने सारा कुछ आपको समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक एंजाइम होता है ग्वानाइल साइक्लेज, बाइंडिंग की वजह से ये एंजाइम आपका क्या होगा एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो आपका क्या है जीटीपी है वो साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा प्रोटीन काइनेज जी को फॉस्फोराइलेट कर देगा, और जब प्रोटीन काइनेज जी फॉस्फोराइलेट होता है एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है स्मूथ मसल जो भी हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, ये सेल जो होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि वेसल्स की बात हो रही है तो वेसल्स क्या हो जाएगी डायलेट हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म है, पूरा मैंने साइक्लिक जीएमपी पाथवे आपको कराया हुआ है डिटेल में, तो आप वो पाथवे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही कि आपकी ये क्या करती है एनओ को रिलीज करेंगी, एनओ बाइंड होगा और एनओ हमेशा ध्यान रखोगे कि ये स्मूथ मसल्स को क्या करता है रिलैक्स कर देता है, क्योंकि बात ब्लड वेसल्स की हो रही है, ये सेल जो है वो ब्लड वेसल की सेल है आपकी, इसीलिए जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाएगी आपकी रिलैक्स हो जाएगी, तो आपका काम हो गया पूरा। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है हाइड्रोलाजीन इस मैकेनिज्म को तो फॉलो करता ही है, साथ में साथ ये क्या करता है, सपोज ये सेल थी, सेल के अंदर आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर्ड रहता है, ठीक है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब भी जरूरत होती है उस कैल्शियम को बाहर रिलीज करा देता है, तो हाइड्रोलाजीन ये सार्कोप्लाज्मिक से कैल्शियम के रिलीज को रोकता है, तो कैल्शियम अगर बाहर नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसका मतलब रिलैक्सेशन ही होगा। तो ये हाइड्रोलाजीन का एक और मैकेनिज्म है इसके अलावा, ठीक है, एनओ रिलीज करने के अलावा ये एसआर से भी कैल्शियम के रिलीज को भी क्या करता है कम करता है। तो ये है आपका वैसोडायलेटर्स। तो क्या फायदा होगा वैसोडायलेटर देने का, वजह का बीपी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तो उससे क्या होगा आपका ब्लड प्रेशर अगर कम रहेगा तो उससे वेंट्रिकल की वॉल पे लगने वाला प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बीपी अगर ज़्यादा रहता है तो वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ता है फोर्सफुली ब्लड को ब्लड वेसल में भेजने के लिए, क्योंकि ब्लड वेसल ऐसी नैरो हुई पड़ी है, ठीक है, इनमें अगर ब्लड को भेजना है ना तो हमें बहुत फोर्स के साथ ब्लड को भेजना पड़ेगा ताकि वो ब्लड फटाफट आगे को जाए, नहीं तो क्या होगा वेंट्रिकल हल्के से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड वेसल नैरो हुई है वो ब्लड वापस पीछे को आ जाएगा, ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा चाहिए। तो हार्ट से हमें ट्राई करना है कि हार्ट फेलियर का जब भी हम इलाज करें तो हार्ट को कम से कम प्रेशर दें, हार्ट से कम काम करवाएं, तो ये हमारा तरीके हैं कम काम करवाने के, ठीक है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सी ड्रग है आपकी, कार्डियोग्लाइकोसाइड, ठीक है, जो यूज होती है, यानी कि ये आ जाएगा आपका टारगेट नंबर 7
इसमें आपकी ड्रग जो यूज होती है आपके हार्ट फेलियर में, उसका नाम है डिजॉक्सिन। ठीक है, अब ये डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे ये काम करता है देखो। तो ये हमारी सेल है, सपोज ये हमारी मायोसाइट है, हार्ट की सेल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, इनकी देखो डिजॉक्सिन की खासियत ये होती है कि ये क्या करता है, हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट तो नहीं बढ़ाता है, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम हार्ट रेट बढ़ाएंगे कार्डियक आउटपुट बढ़ाएंगे तो हम तो हार्ट फेलियर को और भी वर्स कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हमें ये तो चाहिए ना हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, आप ये तो नहीं चाहते ना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन अगर ख़त्म हो जाएगा तो नॉर्मल हार्ट की वर्किंग भी तो नहीं होगी, नॉर्मल जो हमें रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। तो औरों की अगर औरों से इसकी कंपैरिजन किया जाए कि नॉरएड्रेनालिन और डिजॉक्सिन में क्या वेरिएशन है, तो नॉरएड्रेनालिन ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है, हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, लेकिन जो हमारा डिजॉक्सिन है ना ये केवल हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, पूछा जाता है कार्डियक स्टिमुलेंट और कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बीच में क्या डिफरेंस है। कार्डियक स्टिमुलेंट जैसे नॉरएड्रेनालिन, तो आपको पता होना चाहिए वो तीनों चीजों को इंक्रीज कर रहा है, जबकि ये केवल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा ताकि हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो एक क्या रहे, नॉर्मल वे में रहे। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा, सपोज उसने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन ही खत्म कर दिया है आपने, क्योंकि बीटा ब्लॉकर देके आप ब्लॉक करा रहे हो, तो उससे क्या होगा आपका हार्ट तो फिर और भी ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है ना। इसीलिए हार्ट फेलियर के पेशेंट को डिजॉक्सिन दी जाती है इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स। ओके, तो देखते हैं, तो या तो समझ में आया कि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, अब कैसे बढ़ाएगा। ये जो हमारी कार्डिक मायोसाइड है यानी कि हार्ट की एक मैंने सेल ड्रॉ की हुई है, तो इसके मेम्ब्रेन में पंप प्रेजेंट होते हैं। अब ये पंप देखो क्या होता है, ये जो है सोडियम पोटेशियम पंप है, एटीपेस पंप बेसिकली। इस पंप के थ्रू क्या होता है, देखो सोडियम तो बाहर जाता है सेल के और पोटेशियम सेल के अंदर आता है। ये आपका एटीपेस पंप है यानी कि एटीपी ड्रिवन पंप है, एटीपी की जरूरत पड़ेगी इस पंप को चलने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और पंप हमारा होता है, इसके थ्रू क्या होता है सोडियम, इसके थ्रू भी सोडियम बाहर जाता है लेकिन बदले में कौन अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आता है। ठीक है, ये दो पंप आपको दिख रहे हैं। तो होता क्या है, जो डिजॉक्सिन है वो इस पंप को, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, इसे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो अब इस पंप के ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, देखो क्या होगा, पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा और सोडियम बाहर नहीं आ पाएगा। तो सेल के अंदर की स्टेज क्या होगी कि सेल के अंदर सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो सोडियम का लेवल बढ़ गया, अब सोडियम ये देखेगा कि इसके पास अब क्या ऑप्शन है, अब वो इस पे जाएगा कि चल ठीक है मैं इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर नहीं जा पाया तो मैं इस ट्रांसपोर्टर को यूज करता हूँ। तो फटाफट से सोडियम इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन इस ट्रांसपोर्टर की खासियत क्या है कि अगर सोडियम यहां से बाहर जाएगा तो बदले में कैल्शियम को अंदर आना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ जाएगा। आई होप समझ में आ गया सबको, कैल्शियम अंदर कैसे आया और कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ा। तो इस पंप को ब्लॉक करके हमने सोडियम का बाहर जाना इस पंप के द्वारा रोक दिया था। अब सोडियम के पास ऑप्शन था कि इस पंप को यूज करे बाहर जाने के लिए, तो उसने किया, लेकिन बदले में कौन अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया। कैल्शियम आप जानते हो सेल के अंदर जब कैल्शियम एंटर करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, जो हमारी मसल्स के अंदर जो फिलामेंट होते हैं जो एक दूसरे से अभी बहुत दूर दूर थे, क्यों दूर थे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको फिजियोलॉजी डिटेल में बताई हुई है। तो अभी क्या था, कैल्शियम नहीं था, तो इसीलिए एक्टिन मायोसिन एक दूसरे से दूर थे। लेकिन जैसे ही कैल्शियम एंट्री लेगा तो एक्टिन मायोसिन क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, दोनों की स्लाइडिंग होगी एक दूसरे के ऊपर, और रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा आपका, कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये आपको पता है, डिटेल मैंने फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको कराया हुआ है। तो ये है डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म, कैसे डिजॉक्सिन केवल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट इस पे इसका कोई असर नहीं है। तो इसीलिए ये एक आपकी अच्छी चॉइस ऑफ ड्रग हो सकती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें हार्ट को बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि कॉन्ट्रैक्शन खत्म कर दें, फिर तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। समझ में आया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। टोटल हमने 7 टाइप
लेट मी चेक, यस कोई आपका, हाँ एक आपका देखो यहाँ पे छूट रहा है तो वो हमें कवर करना है। तो ये तो आपका था, आपने ये डिजॉक्सिन को यूज़ किया। लास्ट एक आपका रह रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था, ठीक है, ये नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड को बढ़ाना। कैसे बढ़ाओगे? आपने देखा था ना कि जब हमारा ये दोनों सिस्टम, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम था, ये तो हार्ट फेलियर को वर्स कर रहे थे, लेकिन इनको अपोज करने के लिए एक सिस्टम था नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। यानी कि ये ऐसा पेप्टाइड है जो हमारे एट्रिया, वेंट्रिकल और हमारे वेस्कुलर एंडोथीलियम के वॉल से रिलीज होता है, और इसकी वजह से इन दोनों सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किए गए सारे इफेक्ट को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमारा काम किया है कि हम कोई ऐसी ड्रग क्या हमारे पास अवेलेबल है जो इस सिस्टम को सपोर्ट करती हो, तो इसका एक आंसर मेरे पास है और वो 8th आपका टारगेट बनेगा। तो चलिए करते हैं। देखो जो हमारा ये है, ठीक है, जो हार्ट है, हार्ट में जो हमारा ये एट्रिया है, मैंने बोला आपसे कि एट्रिया है, वेंट्रिकल है और जो हमारी ये ब्लड वेसल्स की वॉल है, एंडोथीलियम, ये सब के सब क्या रिलीज करते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई ये सिस्टम दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं, तो ये तीनों क्या करते हैं, नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड को अपने अंदर से रिलीज करते हैं, ठीक है, नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। चलिए इन्हें रिलीज कर दिया, ठीक, लेकिन इस पेप्टाइड को ख़त्म करने के लिए एक आपका एंजाइम यहाँ पे अवेलेबल है। इस एंजाइम का नाम क्या है आपका? नेप्रिलाइसिन, ठीक है, नेप्रिलाइसिन आपका एंजाइम है जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड को क्या करता है आपका, क्या करता है आपका, डिग्रेड करने का काम करता है। एक तो भाई ये हेल्प करने का काम कर रहे हैं, नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड आपको हार्ट फेलियर में हेल्प कर रहे हैं ताकि आप इन दोनों सिस्टम के जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनको थोड़ा बहुत कम कर सकें। ऊपर से नेप्रिलाइसिन यहाँ बैठा हुआ है, इसको डिग्रेड करने का काम कर रहा है। तो अगर आपको इस हार्मोन की, इस केमिकल की मदद करनी है तो आप क्या दे सकते हो? आपका 8th जो नंबर का टारगेट है वो यही है, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। और ये कभी भी अकेले नहीं देते हैं, कॉम्बिनेशन में ARBs के साथ इसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ, टू गेट मैक्सिमम इफेक्ट। तो नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर आप दे सकते हो इसमें। और इस कैटेगरी में जो आपकी ड्रग का नाम है वो है आपका सेक्यूबिट्रायल, ठीक है, सेक्यूबिट्रायल ये आपकी ड्रग है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सिस्टम को आपका सपोर्ट करने का तरीका आपके पास ये है, आप दे सकते हो। तो ओवरऑल ये था आपका हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी एज वेल एज ट्रीटमेंट हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ही कोई दूसरी डिजीज को डिस्कस करेंगे और उसके ट्रीटमेंट, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लेक्चर को रिवाइज कीजिए, कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।